देखिए, महागठबंधन का मुझे कोई आधार नजर नहीं आता। महागठबंधन तब सफल होता है अगर कोई बड़ी पार्टी, बड़ी अनुशासित पार्टी होगी, इकट्ठी पार्टी होगी, तब उसके साथ कुछ दूसरी पार्टियां मिलके, मैं समझता हूँ उनका कुछ भविष्य है। लेकिन यहाँ तो जो बड़ी पार्टी है, तो अगर पूरे देश के हिसाब से लगाओ तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस में तो अपनी इतनी गुटबाजी है कि उनका तो अपने आप में ही कोई मेल मिलाप नहीं है। अभी आपने देखा कि जब प्रभारी रहने में आए तो वहाँ जिस प्रकार से गुटबाजी सामने आई, हम नारेबाजी जिस प्रकार से, तो ऐसे में जो बड़ा दल है जब उसमें स्वयं कहीं अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है, तो दूसरों को ऐसे साथ लेके चल सकता है, और दूसरे दल भी जितने हैं वो स्वयं भू नेता है सारे के सारे। अब कोई किसी के साथ चलने वाला तो है नहीं, वो कहता है मैं सबसे बड़ा नेता हूँ, वो कहता है मैं सबसे बड़ा नेता हूँ। अब अखिलेश जी कहेंगे कि मैं सबसे बड़ा नेता हूँ क्योंकि प्रदेश बड़ा है, उधर लालू प्रसाद यादव जी उनके बेटे कहेंगे कि हम सबसे बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार कहेंगे हम सबसे बड़े नेता। तो मुझे नहीं कोई भविष्य नजर आता इसका, गठबंधन का, ना ही ये कोई चलने वाला है। मैं नहीं समझता कि ये एक महीना भी इकट्ठे चल सकते होंगे। ठीक है, हो सकता है ये चुनाव लड़ लें इकट्ठा, लेकिन ये कोई नेतृत्व नहीं दे सकते इकट्ठे। नहीं, कोई विकल्प वगैरह किसी के लिए भी नहीं है विकल्प। देखिए, इनकी इनमें कोई विचारों की कोई समानता नहीं है, और दूसरा इतने अहम है इनके, इनके अहम आपस में टकराएंगे। मैं नहीं समझता कि कहीं भी कुछ टाइम के लिए भी, मतलब थोड़े से टाइम के लिए भी मुझे लगता है इकट्ठे चल सकते हैं। नहीं, आप अब इस गठबंधन में रह गए यहाँ। नहीं देखिए, 24 का जो हमारा जो यहाँ का, यहाँ की बात है, जो हमारा समझौता आया जेजेपी के साथ, वो सरकार बनाने का समझौता है, चुनाव लड़ने का समझौता नहीं हमारा अभी तक होया। वो भविष्य की बात है, वो जो भी समझौता अगर होगा तो वो हमारा मई का कमान और उनका हाईकमान बैठ के कोई बातचीत करेगा, तब संभव है। अभी हमारा चुनाव लड़ने का कोई समझौता नहीं, केवल सरकार बनाने का ही समझौता था। नहीं, मुझे कोई आसार नहीं नजर आते कि इंडियन नेशनल लोकदल।